नमस्कार लर्निंग मंत्रा के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे राज्य एक परिचय की राज्य राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है इसलिए गार्नर के द्वारा राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान भी कहा गया राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य होने के चलते आर जी गैटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट नामक पुस्तक में गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है राज्य एक अमूर्त अवधारणा है और उसका मूर्त स्वरूप सरकार है इसलिए सरकार को राज्य का एजेंट या प्रतिनिधि कहा जाता है राज्य स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो ग्रीक भाषा के स्टेटो शब्द से बना है लैटिन भाषा में स्टेट को स्टेटस कहा जाता है स्टेटस का अर्थ है। व्यक्ति का स्तर होता है अलग अलग राजनीतिक विचारकों तथा विचारधारा का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है यूनान में नगर राज्य या सिटी स्टेट का प्रचलन था यूनानी भाषा में नगर राज्य को पॉलिस कहते थे इसी आधार पर अरस्तु के द्वारा अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा गया यूनान में राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं था राज्य के लिए रोमनों द्वारा सिविटास पोलिस के अर्थ में और रिपब्लिका नागरिकता के अर्थ में प्रयोग किया गया राज्य शब्द का सर्वप्रथम या आधुनिक अर्थ में प्रयोग इटली के राजनीतिक विचारक माइकियावली द्वारा 16वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया गया और यह प्रयोग राष्ट्रीय राज्य के अर्थ में किया गया और वर्तमान में भी राज्य का प्रयोग इसी अर्थ में किया जा रहा है यूनानी चिंतक अरस्तु के द्वारा राज्य शब्द का नहीं बल्कि नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया यूनान में राज्य तथा समाज में कोई अंतर नहीं किया गया इसी आधार पर अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संगठन माना प्राचीन यूनान में राज्य को पोलिस तथा रोमनों के द्वारा राज्य को सेविटास या नागरिक समाज कहा गया फ्रांस में राज्य को ईटा और जर्मनी में स्टॉट कहा जाता है फ्रांसीसी विचारक बोंदा के द्वारा राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ है गणराज्य होता है हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द में राज्य समाज और सरकार तीनों का ही अर्थ सम्मिलित है लॉक द्वारा राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया कि राज्य जन सहमति पर आधारित एक संगठन है रूसों द्वारा राज्य के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग करते हुए बॉडी पॉलिटिक या राजनीतिक शरीर शब्द का प्रयोग किया गया रूसो के अनुसार राज्य का आधार सामान्य इच्छा होता है और सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना को कहते हैं स्पेंसर के द्वारा राज्य के लिए बीमा सुरक्षा कंपनी या व्यापारिक कंपनी कहा गया अर्थात राज्य वह संगठन है जिसका एकमात्र कार्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है स्पेंसर ने कहा कि समाज में अपराध विद्यमान है इसलिए राज्य आवश्यक है राज्य के लिए किस विचारक ने किस शब्द का प्रयोग किया है यह आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो आइए एक नजर डालते हैं कौन से विचारक ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया बोंदा ने रिपब्लिक में गणराज्य के अर्थ में हॉप्स ने कॉमनवेल्थ में राज्य समाज और सरकार तीनों के अर्थ में लॉक ने ट्रस्ट राज्य जनसहमति पर आधारित माना रूसो समुदाय माना बॉडी पॉलिटिक या राजनीतिक शरीर राज्य का आधार सामान्य इच्छा सामान्य इच्छा सामान्य हित की चेतना माना स्पेंसर ने बीमा सुरक्षा कंपनी या व्यापारिक कंपनी माना इसका एकमात्र कार्य व्यक्ति को सुरक्षा देना है इन्होंने कहा समाज में अपराध विद्यमान है इसलिए राज्य आवश्यक है फ्रांस में राज्य शब्द के लिए ईटा शब्द का प्रयोग किया गया जबकि जर्मनी में राज्य शब्द के लिए स्टॉट शब्द का प्रयोग किया गया तो आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार